आज के समय में हर कोई शुभ कार्य में उपहार देने का रीति रिवाज बरसों से चला आया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। आइए पंडित जी से जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं। उपहार, गिफ्ट हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व होता है। उपहार आदान प्रदान करने से हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, खुशी प्राप्त होती है कि हमें किसी ने कुछ उपहार दिया, गिफ्ट दिया। लेकिन यही उपहार यदि हम सोच समझ कर दें तो हमारे जीवन में और भी अच्छा होगा, और जिसको हम दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी वस्तु देना है और कौन सी वस्तु नहीं देना है। अक्सर हमें देखने में आता है घड़ी का आदान प्रदान अच्छा नहीं माना गया, हमारे अच्छे समय उसके पास चले जाते हैं, और सामने वाला का अच्छा समय यदि हमारा समय अच्छा नहीं है तो हमारा बुरा समय उसके पास चला जाए। इसलिए घड़ी का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। दूसरा, परफ्यूम या इत्र, सुगंधित द्रव्य, यह भी हमें उपहार में नहीं देना चाहिए। फिर हम सोचते हैं कि किसी को छोटे से छोटा उपहार दे तो रुमाल ही दे दें, रुमाल का आदान प्रदान भी नहीं करना चाहिए। रुमाल एक दूसरे का यूज करने से या उपहार में देने से रिश्तों में, संबंधों में खटास उत्पन्न होती है, इसलिए रुमाल का आदान प्रदान भी नहीं करना चाहिए। फिर हम सोचते हैं कि हम किसी को वस्त्र दे दें, तो वस्त्र का यानी कपड़े का हम जब आदान प्रदान करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें काले रंग के कपड़े ना दें ना लें। उसके बाद में जूते चप्पल का भी उपहार ना किसी को देना चाहिए ना किसी से लेना चाहिए, यह सब अशुभ माना गया है। इसके बाद में ग्रंथों में महाभारत, गरुड़ पुराण और आदि ऐसे कई ग्रंथ है जो आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन से सुख संपन्नता चली जाती है। सुख